हमें क्या लगता है कि संतरे के छिलके के फायदे सब इतने ही हैं कि अगर आप फेस पे फेस मास्क बना के लगाते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, या फिर संतरे को अगर हम अगर संतरा अगर हम खाते हैं तो हमारे विटामिन सी मिलता है। हम ज़्यादातर लोगों को हमें बस इसके इतने ही फायदे पता है संतरे के। पर साथ ही चलिए मैं आपको एक और फ़ायदा बताने वाली हूँ कि अगर आप चाय पीने के आदती हो चुके हैं और साथ ही अगर आपको चाय पीने से कुछ नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं तो आइए मैं आपको एक चाय बनाने का एक तरीका बताती हूँ। इसमें यूज़ करेंगे हम संतरे का छिलका। संतरे के छिलके के चाय पीने के फ़ायदे क्या होते हैं चलिए पहले आपको वो बता देती हूँ, फिर साथ ही साथ आपको मैं इस संतरे के चाय को बनाते कैसे हैं ये भी शेयर कर देती हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो पर, लास्ट तक देखिए मेरे वीडियो को। आप लोगों को ऐसे चाय बताती हूँ जिससे हमें ढेरों फायदे होंगे और साथ ही आपकी चाय पीने की आदत भी छूट जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेलरी एंड ब्यूटी टाइम। मैं प्रियंका मिश्रा, मैं आज अगर आप लोगों से एक छोटा सा टिप्स शेयर करने आई हूँ। छोटा तो है पर है काफ़ी फायदेमंद। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए, आप अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं तो फिर आपके लिए संतरे का चाय ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। और सेकंड मैं आपको बता दूँ, ये हमारी पाचन क्रिया के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और मैं साथ में आपको बता दूँ, अगर आपके शरीर में स्वेलिंग होती है या फिर किसी चीज़ की एलर्जी है तो उसमें भी फाइबर काफ़ी हद तक हेल्प करता है जो संतरे के छिलके में अवेलेबल है। और साथ ही संतरे के छिलके में विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। संतरे के छिलके में पेक्टिन होता है जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, और साथ ही जब हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो वेट तो हमारा वजन अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो फिर इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि संतरे के छिलके की चाय पीने से हमें इतने सारे फायदे हो रहे हैं और नुकसान एक भी नहीं, तो क्यों ना हम इसी चाय को, अगर आप चाहें तो संतरे के छिलकों को आप सूखे नहीं हैं, ताज़े संतरे के छिलके हैं तो वो भी आप डालकर चाय बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टाइम के लिए संतरे के छिलकों रखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि संतरे आ रहे हैं तो संतरे के छिलकों को सुखा कर आप रख लीजिए किसी बॉक्स में। तो ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, चलिए मैं आपको बताती हूँ चाय में बनानी कैसे। स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट।